आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दौर, जो कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोग यहां पहुंचे और हमारे पूर्वोत्तरों ने हर एक बिंदु की योजना से लेकर वर्तमान सरकार क्या क्या काम कर रही है और इस योजना से हमें क्या फायदा हुआ, ये सारी बातों को रखने की काम हमारे माननीय मंत्री, हमारे विधायक भी करने की काम किया है। मैं ज्यादा उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात हम डंकी की चोट पर हम कहेंगे कि पिछले साल हम लोगों ने भी इसी तरह योजना हम लिए थे, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, और ये योजना काफी जो है लोकप्रिय झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। मुझे भी किसी अवसर पर अपने बातों को रखने के जब मौका मिलता था तो हमने एक बार एक मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे और गवर्नर साहब भी थे, हमने कहा ये जो आपके अधिकार, आपकी योजना, आपकी सरकार के द्वार, सरकार अपनी द्वार जो कार्यक्रम चलाया गया, ये कार्यक्रम का पुनः रिपीट और रिपीट करना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर झारखंड में यहाँ के तमाम लोगों को नई नई योजना, नई नई विचारों से अवगत करके यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के जो काम करते हैं ये सराहनीय है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। आज हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि आज आपको आकलन करना होगा क्या सही क्या गलत, कौन सरकार आपके लिए बेहतर, कौन सरकार विगत दिनों ने क्या किया, ये सारे बातों को आपको विचार करनी होगी। आज करीब करीब 22 साल पहले झारखंड राज्य अलग हुई, यहाँ के लोगों की सपना और यहाँ के लोगों की संघर्ष, हमें तो अलग झारखंड राज्य प्राप्त किया। जो सपना था हर एक तबके के लोगों का, जो झारखंड अपनी राज्य बनेगी, हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा और झारखंड खुशहाल होगा और यहाँ के लोग की चेहरा पर मुस्कान रहेगा। लेकिन हमने देखा 22 सालों में सरकार आई और गई, किन की सरकार रही वो बात आप लोग जानते हैं, लेकिन हम दावा के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी इस गठबंधन की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, वो 3 सालों में जो कारनामा, जो आप यहाँ की जनता के लिए जो आगे बढ़कर जो काम किया है, ये इतिहास, यह इतिहास बनकर रहेगा इस झारखंड के लिए, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम देखे पहला शिक्षक का माहौल, हमें 2000 से लेकर यहाँ झारखंड में अपने राजनीतिक करियर भी शुरू किए थे और हमने देखे थे जो पैरा शिक्षक किस तरह दर बदर भटक रहे थे, डंडा और लाठी खाते थे, लेकिन कोई उसके सोल्यूशन, कोई उसका निष्पादन नहीं कर पाया। उन्होंने जो अगर किया है तो हेमंत जी ने किया है। हमने गांव में देखा है, आपने भी देखे हैं, जो गांव में घूमते थे बुढ़िया माँ बहन कहती थी जो हमें पेंशन मिलना चाहिए, हम पेंशन, एक जनप्रतिनिधि होने का नाते हम पेंशन भी नहीं कराना पाते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सर्वजन पेंशन लाकर सभी को पेंशन देने की काम किया है, ये बात सबको आप जानते हैं, चाहे वो विधवा कितने भी साल के हो, प्रत्यक्षता हो उसको भी देने की काम किया है। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, सारी बात आप लोग जानते हैं। हमारी सरकार करीब करीब 3 साल कार्यक्रम दिसंबर महीने में पूरी करेगी। 3 सालों में
अगर आप देखे होंगे तो 1.5 साल हम लोग लगातार कोरोना के महामारी को हम लोग झेलते रहे, और जो मौका हमें मिला, एक मिनट एक सेकंड झारखंड की सरकार समय को गवाह नहीं करके अपने काम पर लगकर यहाँ के धरातल पर काम लाने की काम किया है। आज सड़क देखिए, चाहे आवास देखिए, चाहे मनरेगा योजना देखिए, सारे योजना के काम धरातल पर दिखाई देने लगा है। आज तो हम जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग में जब मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जब यहाँ पर चरम अवस्था था कोविड महामारी के लिए, एक नहीं कई योजना वो योजना आपके बीच में लाने की हम लोग ने काम किया था। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये योजना इतना पॉपुलर हुआ कि सैकड़ों एकड़ में हेक्टर में हम लोगों ने फलदार पेड़ लगाने की काम किया है। और सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए, आपके परिसंपत्ति देने की काम हम लोग ने किया, पेड़ लगाकर छोड़ नहीं दिया, पेड़ लगाकर उसका जो संरक्षण के लिए वो भी 3 साल तक आपको पैसा देने की काम किया है। हम जानते हैं इस क्षेत्र जो है झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान जो गांव का देश है, जहां पर 70-75% लोग किसान रहते हैं, जल समृद्धि नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना आपके बीच में लाने की काम हम लोग ने किया, ताकि किसानों को फायदा हो, किसानों के जमीन में पानी जाए, इसीलिए हम लोग ने नाला खुदवाने जीर्णोद्धार कराने की काम हम लोग ने किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।